Assalamualaikum everybody, this is Mas and welcome to our YouTube channel Mahan's Kitchen Counter. आज हम Mahan's Kitchen में बनाने जा रहे हैं fruit trifle, वो भी एक नए अंदाज में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा मेथड और सारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके और आप सेम फ्रूट ट्राइफल अपने घर पे बना सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे। सो फॉर कस्टर्ड मैंने अपनी यहाँ पतीली जो है वो मीडियम लो फ्लेम पे रख दी है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगा 2 कप्स ऑफ मिल्क, यानी कि 2 कप दूध। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनाना है। 2 कप दूध रख दिया है, अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा अपनी शुगर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। तो जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे तो मैं इसमें अब ऐड कर रहा हूँ 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि सारी शुगर जो है वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गर्म है ना दूध, इसलिए। तो जब तक इसमें चीनी डिज़ोल्व हो रही है, इन द मीन टाइम हम अपने कस्टर्ड और मिल्क का जो है वो मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे तो उसके लम्ब्स बन जाएंगे और आपका कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसकी आँच कर दें बिल्कुल लो और करते हैं अपना कस्टर्ड वाला मिक्सचर प्रिपेयर। सो व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे जो है वो वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो आप बनाना और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क और इसको अच्छे से मिक्स कर लें कि कस्टर्ड जो है वो इसमें सही से डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कस्टर्ड चाहिए तो आप इसके अंदर 3 टेबल स्पून कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये कस्टर्ड जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। सो व्यूवर्स, हमारी शुगर जो है वो अच्छे से मिल्क में डिज़ोल्व हो चुकी है और हमने जो अपना कस्टर्ड और दूध का जो मिक्सर बनाया था अब वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे और अपना विस्क चलाते रहेंगे लाइक दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे आप इसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कस्टर्ड जो है और दूध वो गाढ़ा होता जाएगा। ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। इसमें विस्क चलाते रहें और तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसका चूल्हा जो है वो कर देंगे बंद। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है हमारा और बस 1 मिनट हो चुका है इसको। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद और हम इसमें ऐड करेंगे अपना कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है वो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है, वो इसमें कर देंगे हम ऐड। ये चला गया इसमें कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम। तो ये चली गई हमारी क्रीम और अब हम इसको दोबारा से विस्क कर लेंगे। याद रहे चूल्हा बंद करके आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड करनी है। कस्टर्ड जो है वो थोड़ा गाढ़ा ही डलता है इसमें। अगर आप चाहें तो आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पतली भी रख सकते हैं। कस्टर्ड हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। सो व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर द लेयरिंग। मैंने यहाँ पे एक डिश ली है और इस डिश की बेस में जो है वो मैं सेट करूँगा केक। ये वही पाउंड केक है जो मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बनाना सिखा चुका हूँ, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये जो है इसको मैंने बिल्कुल एक थिन लेयर में काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में और अब इसको जो है वो मैं अपनी डिश की बेस पर सेट कर दूँगा लाइक दिस। अगर आप चाहें तो आप इसके थोड़े मोटे मोटे पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो थिन पीसेस ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने थिन ही रखे। और आप अपनी कस्टर्ड का शुगर का जो फ्लेवर है वो भी बिल्कुल इसके हिसाब से ही बैलेंस कीजिएगा जब आप कस्टर्ड में डालें। किसी किसी को ज़्यादा मीठा भी पसंद होता है तो आप अपना टेस्ट जो है वो ज़्यादा मीठा भी रख सकते हैं। ये सारे केक्स जो हैं वो इसके अंदर डिश की बेस में हो चुके हैं सेट। और अब मैंने यहाँ पे लिया है कॉकटेल टिन और उसका सिरप जो है वो मैंने अलग कर लिया है। तो इसके सिरप को आपने ज़ाया नहीं करना है, आपने उठाना है इसका सिरप और स्पून की मदद से आपने इसको हल्का हल्का अपने केक के ऊपर डाल दें ताकि केक जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। वैसे भी ये सॉफ्ट ही है लेकिन इसके डालने से यह हुआ कि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से सारे केक्स पे ये चला जाए, दैट्स इट, ये चला गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड। लेकिन उससे पहले
ये है वो कस्टर्ड जो हमने किया था प्रिपेयर, और थोड़ा थिक थिक सा, गाढ़ा गाढ़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ा थिक ही कस्टर्ड चाहिए था। तो अब हम इसके अंदर कुछ करेंगे फ्रूट्स ऐड, तो इसलिए आप अपना विस्क आप निकाल दें। तो फ्रूट में सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे केले, दैट इज़ बनाना। और बनाना जो मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के लिए थे उसको छोटा छोटा सर्कल्स में कट कर लिया, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का सेब, उसको भी बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो चला गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अंगूर लिए हैं तकरीबन आधे कप के बराबर, तोड़ने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लें। इसकी डंडियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल इस पर लगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि खाते हुए अगर वो मुँह में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हेयर इज़ अ टिप फॉर यू। और अब आप इसको इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। कस्टर्ड को थोड़ा थिक रखने की एक और वजह भी ये है कि हमने इसके ऊपर जो है वो जेली की पूरी एक लेयर लगानी है। तो जेली की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सारे फ्रूट्स और कस्टर्ड जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको अपनी डिश के अंदर केक वाली लेयर के ऊपर सारा इसके अंदर कस्टर्ड आप डाल देंगे फैला के। ये सारा कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है, अब पतीली रख दें साइड पे, और ये जो हमने कस्टर्ड इसके ऊपर ऐड किया है इसको अच्छे से फैला लें और स्मूथ कर लें ताकि ये सेट हो सके इसके ऊपर। ये अच्छे से हमारा कस्टर्ड जो है वो स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि इसकी जो कस्टर्ड की लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए, और जब तक हम अपनी जेली प्रिपेयर करते हैं। सो व्यूअर्स, प्रिपेयर करूँगा यहाँ पे अपनी जेली। मैं जो हूँ यहाँ पे दो तरीके की जेली यूज़ कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉबेरी और एक मैंगो। आप चाहें तो आप बनाना और भी दूसरे फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जेली का एक बहुत ही ईजी मेथड है, आपने सबसे पहले अपनी पतीली के अंदर लेना है एक कप पानी, और एक कप पानी के अंदर जैसे ही उस पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपना जेली क्रिस्टल्स ऐड कर देंगे। पानी जो है वो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी जेली क्रिस्टल्स। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है वो जेली ले सकते हैं। ये चलेगा इसमें सारे क्रिस्टल्स, और अब इसमें हल्के हल्के चमचा आप चलाते जाएं अंटिल ऑल द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल्स प्रॉपरली डिजॉल्व्ड। तकरीबन 2-3 मिनट में हमारी जेली जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, और फिर हमने इसको बस इतना ठंडा करना है कि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। बिल्कुल ठंडा मत करिएगा कि ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए, क्योंकि हमने इसको लिक्विड ही अपने कस्टर्ड की लेयर के ऊपर जो है वो डालना है। पानी जो है वो हमारा थोड़ा गाढ़ा होने में लग गया, दैट मीन्स कि हमारी पार्टिकल जो है वो जेली के वो अच्छे से डिसॉल्व हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, स्पैचुला आप निकाल लें बाहर और इसको तेज़ आंच पे एक अच्छा सा बस बॉईल दे दें, और उसके बाद हम कर देंगे चूल्हा बंद। देख रहे हैं आप साइड पर जैसे इसके बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स कि अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब एक दफ़ा दोबारा चमचा हिला दें ताकि अगर कोई एक आधा पार्टिकल रह भी गया जेली का तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो सके। हमारी जेली जो है वो प्रॉपर्ली बन चुकी है, अब इसका चूल्हा कर देंगे हम बंद। अब आपको बताते हैं इसकी लेयरिंग कैसे होगी। तो जब तक हमारी जेली जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ रही है, हमने अपना कस्टर्ड जो है वो फ्रिज से निकाल लिया, इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं और इसकी लेयर जो है वो परफेक्टली जो है वो असेंबल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने जो कॉकटेल्स लिए थे वो कॉकटेल इसके ऊपर हमने डालने हैं। एक तरीके से हमने कॉकटेल की लेयर इसके ऊपर सेट करनी है। यूज़ माई हैंड्स, मेक श्योर आपके हाथ जो है प्रॉपरली वॉश हो। ये चली गई हमारी कॉकटेल की लेयर अच्छे से, इसको आप असेंबल कर लें। फ्रूट कॉकटेल का मैंने छोटा वाला टिन यूज़ किया है यहाँ पे, तो अगर आप चाहें तो आप बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अब जो हमने अपनी जेली जो रखी हुई थी, जो अभी हमने प्रिपेयर करी है, उसको हमने जमाना नहीं था, तो वो जेली अब मैं इसके ऊपर जो है वो पोर कर दूँगा ताकि उसकी लेयर आ जाए। सो व्यूअर्स, हमारी जेली जो है वो ये रेडी हो चुकी है कि अब हम इसको जो है वो अपने कस्टर्ड के लेयर के ऊपर डाल दें, क्योंकि ये बिल्कुल खोलती भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें धुआं भी नहीं उठ रहा है, और इतनी भी ठंडी नहीं है कि मैं पतीली बिल्कुल हाथ से पकड़ लूँ। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने जो है वो इसको अपने होल्डर की मदद से पकड़ना है, और अब इसके बाद आप इसको इसके ऊपर जो है वो पोर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक दिस। पूरी आप लेयर इसके ऊपर डाल दें। डालने के बाद ये जो अगर कुछ फ्रूट्स आपके ऊपर आ गए हैं तो इसको दोबारा नीचे दबा दें, और इसको आप मज़ीद 20-25 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख दें, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी गार्निशिंग कैसे करनी है। सो व्यूअर्स, 25 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया है, हमारी जेली जो है वो बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। अब हम करेंगे इसकी गार्निशिंग। सो फॉर गार्निशिंग मैंने जो है वो यहाँ पर सेम प्रोसीजर के साथ जो है वो
अपनी स्ट्रॉबेरी जेली को भी जमा लिया था और इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा जो है वो क्रश कर लिया। तो अब हम इसकी मदद से इसके जिस तरीके से आप चाहें, जैसे आप चाहें, आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर इस तरीके से साइड साइड पे ये जेली को ये लग गई साइड्स पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं बिस्किट्स, क्रंच बिस्किट्स। आप चाहें तो आप कोई भी तरीके का अपनी पसंद का बिस्किट लें और उसको बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लें। मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा क्रश किया, बिल्कुल अच्छे से नहीं किया। तो उसके बाद मैं लगाऊंगा एक बिस्किट की लेयर। थोड़े थोड़े गैप थे क्योंकि थोड़े मोटे मोटे चंक्स हैं बिस्किट के। ये हमारे बिस्किट के लेयर भी जो है, लाइन जो है वो भी कंप्लीट हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्रीम। यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आप एक लाइन जो है वो बिल्कुल फ्रेश क्रीम की लगा दें, थोड़ी मोटी सी। परफेक्ट, कंप्लीट हो गया। और सेंटर में आप रख दें इसके चेरीज। सो व्यूअर्स, हमारा फ्रूट ट्राइफल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखने में इतना मज़े का और इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे अगर इसको देखेंगे तो वो वैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये फ्रूट ट्राइफल एक ऐसा डेजर्ट है जो आप अपने घर की दावतों में बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और विद इन 20 to 25 minutes ये आप डेजर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिसको प्रेस करने से हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिलीशियस रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।